जिनको शरीर से बाहर होने का अनुभव हुआ है तो वापस आने पर उन्हें अत्यधिक भूख का अनुभव होता है। ये सत्य है, जब हमारी आत्मा शरीर में पुनः प्रवेश करती है तो भोजन हमारे आंतरिक स्थान को शरीर में आसानी से स्थिर करने में मदद करता है, मानो एक कागजी वजन का काम करता है। बाहर थे तब तुम्हारा शरीर बहुत सारी भौतिक ऊर्जा खो चुका होता है। एक निश्चित सीमा है जिसके पार आप शरीर से बाहर नहीं रह सकते, अन्यथा शरीर मृत हो जाएगा। एक सीमा तक तुम इससे बाहर रह सकते हो, लेकिन उस समय, उस अंतराल में शरीर लगातार और बहुत तेजी से ऊर्जा खोता है, क्योंकि तुम इसमें नहीं होते हो जो ऊर्जा को थामे रखे। शरीर लगभग मृत होता है। जब तुम इसमें प्रवेश करोगे तो तुम्हें महसूस होगा मानो तुम्हें कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ऐसा दिन आएगा जब तुम अचानक अपने ध्यान में अपने शरीर के बाहर खड़े होकर अपने ही शरीर को वहाँ लेटा हुआ देखोगे। डरने की बात नहीं है, और ये सोचकर भी मत डरो कि तुम शरीर में वापस कैसे प्रवेश करोगे। केवल प्रवेश करने की कल्पना के साथ, सिर्फ इस विचार के साथ ही तुम पाओगे कि शरीर में प्रवेश हो गया है। किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, केवल ये विचार कि तुम प्रवेश करना चाहते हो और तुम करोगे। यही इच्छा तुम्हें अंदर ले जाएगी। जैसे जैसे हम ध्यान के गहरे प्रयोगों में जाते हैं, हमें उस जगत के बारे में पता चलता है जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। एक साधक के लिए ये सब अनुभव घटना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। इन अनुभवों से चुपचाप गुजर जाना, स्वीकार भाव में, बिना किसी आवेश के, यही साधना है। प्रणाम।